हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो जैसा कि आप सबको पता है, आज है गणेश चतुर्थी। तो सबसे पहले तो सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इसलिए आज हम जा रहे हैं मंदिर, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा मन था मंदिर जाने का। तो ये है मंदिर पांवटा साहिब में, गीता भवन मंदिर, जो कि कोई भी फेस्टिवल आता है तो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से डेकोरेट किया जाता है। अभी भी देखिए कितने अच्छे से मूर्ति स्थापित की गई है और पूरा बहुत अच्छे से डेकोरेशन हुई है। तो मेरे साथ एक और मेरे स्टाफ के आए हैं मैम, वो भी दर्शन करने के लिए आए हैं। देख सकते हो आप कितने अच्छे तरीके से हर एक जो मूर्ति है कितने प्यार से सजाई गई है। तो अगर आप पांवटा में रहते हो तो गीता भवन एक बार ज़रूर जाके आना। मैं जब भी इस मंदिर में आती हूँ मेरे यहाँ से जाने का मन ही नहीं होता है। और जो यहाँ पे पंडित जी है वो भी बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेट करते हैं। हो चुके हैं फ्री और अब हम जा रहे हैं गोलगप्पे खाने। तो गोलगप्पे मेरे तो बहुत ज़्यादा फेवरेट है, आप भी बताने कि आप में से किस किस को गोलगप्पे अच्छे लगते हैं। कौन से वाला? पुदीने वाला है, आज है पुदीना का टेस्ट कराना। टेस्टी टेस्टी, कोई बात नहीं। कौन सा फ्लेवर है ये? हाँ, अच्छा। सो गाइज, मैं अपने घर पे वापस पहुंच चुकी हूँ और मुझे आते आते 6 बज गए। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं अपने मंदिर को साफ़ करती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है मैंने अपने मंदिर को साफ़ नहीं किया है, कोई साफ़ सफाई नहीं हुई थी, तो इसलिए आज मैं साफ़ सफाई करूँगी। तो मेरी साफ़ सफाई हो चुकी है कंप्लीट और अब मैं यहाँ पे एक इसको कवर करूँगी अच्छे से, क्योंकि मुझे मेरा मन था कि मैं इसको कवर करूँ पूरा। तो इसको कवर कर रही हूँ बट ये बार बार गिरे जा रहा था, ये मुझसे नहीं हो रहा था। तो फिर इसमें मैंने टेप लगाई अच्छे से और काफ़ी सारे टेप लगाए और फिर ये एकदम से सेट हो गया टेप लगा के। लेकिन नहीं, फिर भी ये बार बार गिरे जा रहा था, पता नहीं क्यों। चलो जो भी है, सेट हो चुका है और अब मैंने मंदिर में जो भी भगवान जी की फ़ोटो थी वो सारी क्लीन कर दी है और अब अच्छे से लगाऊंगी इनको। और ये रहा मेरा मंदिर, छोटा सा मंदिर जो मैंने घर पे ही बनाया है। यहाँ पे बैठ के भी मुझे बहुत पॉजिटिव फील होता है, बहुत पॉजिटिव वाइब आती है, अच्छा लगता है। तो अगर आप में से भी कोई पूजा पाठ नहीं करता है तो प्लीज़ आप भी शुरू कीजिए, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छी थेरेपी है, आपके माइंड को डाइवर्ट करने के लिए बोल दो या फिर आपके माइंड को रिलैक्स करने के लिए बोल दो। सो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि किस किस ने पूजा की है और कौन कौन रेगुलर कर रहा है। और अब इसके बाद मेरी पूजा हो जाती है डन, मुझे जाना है किचन में डिनर की तैयारी के लिए। तो फिर मैं अपने व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर मेरा ये व्लॉग आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और अगर मेरी इस वीडियो में कोई कमी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और एक बात तो मैं भूली गई, अगर मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। गुड नाइट।